Hello everyone and welcome to the online classes. So bioprocess जो subject है आप लोगों का उसमें हम लोग unit 1 ही अभी cover कर रहे हैं, जिसमें unit 1 का पहला topic ही है जो हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि वो पहला topic जो है बहुत lengthy topic है. एंड अगर बात करें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो मैं अभी fermentation technology के अलग अलग types पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं fermentation जो के types जो होते हैं उनमें मैंने बैच फर्मेंटेशन आप सभी को पढ़ा दिया. बैच फर्मेंटेशन में हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या फेजेस होते हैं. इसमें 6 फेजेस होते हैं हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें आप लोगों का लैग फेज, लॉग फेज, आप लोगों का लैग फेज, एक्सेलरेशन फेज, लॉग फेज, डी एक्सेलरेशन फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज. इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. लैग फेज जो लैग फेज होता है उसमें जस्ट स्टार्ट हुआ रहता है कल्चर होना. उसके बाद जो एक्सेलरेशन फेज होता है उसमें एक्सेलरेट होके वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, एक्सेलरेशन होता है उनके ग्रोथ में. लॉग फेज में जो उनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो होता है, मल्टीप्लीकेशन मतलब जो कल्चर आपने डाला है. मतलब ये सब हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, आपका जो फर्मेंटेशन फर्मेंटर है, जो बायोरिएक्टर है उसके अंदर जो है प्रोसेस किस प्रकार से होती है उसमें उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी टेक्निक यूज होती है. फर्मेंटेशन फर्मेंटर जो है मेन, जो बायोरिएक्टर या फर्मेंटर जो है वो तो एक ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है वो अलग अलग रहती है. जिसमें आप लोगों का क्या रहेगा, बैच फर्मेंटेशन होता है, एक होता है आप लोगों का फेड बैच फर्मेंटेशन होता है. बैच फर्मेंटेशन में हमने क्या देखा था, अगर बैच फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए फर्मेंटर यूज किया जा रहा है, तो उसमें जो पहला फेज होता है वो लैग फेज होता है. लैग फेज में जो है आप लोगों का एक्चुअल में इनिशियल जो स्टेज होता है, जो बिगिन होता है, ठीक है, आपको सबसे पहले तो क्या करना है, आपको अपना रॉ मटेरियल डालना है, ठीक है. रॉ मटेरियल क्यों, जो अगर मान लीजिए अगर ब्रेड बनाने की इंडस्ट्री है तो आप बेकरी इंडस्ट्री में गए हो, तो रॉ मटेरियल के रूप में क्या डालेगा, वो मैदा डालेगा, मैदा यूज करेगा, ठीक है. और रॉ मटेरियल के साथ साथ आपको साथ में क्या डालने पड़ेंगे, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालने पड़ेंगे जो इस रॉ मटेरियल को एज ए सबस्ट्रेट यूज करें और फिर क्या बनाए, इसी सबस्ट्रेट को पूरा किस में तब्दील कर दें, पूरा प्रोडक्ट में तब्दील कर दें. मतलब इसी मैदे को यूज करके वो क्या बना देगा, पूरा मैदे को एज अ सबस्ट्रेट यूज कर रहा है कौन, आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. उसके बाद वो जो सबस्ट्रेट को मतलब मैदे को ही वो किस में तब्दील कर देगा, प्रोडक्ट में. मतलब मैदे को किस में बदल देगा, वो ब्रेड में तब्दील कर देगा. तो इस प्रकार से वो किस प्रकार से कौन कौन सी प्रोसीजर होती है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है उसके बारे में है जो अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बैच फर्मेंटेशन पढ़ लिया है. जो टाइप्स देख रहे हैं हम लोग, कौन कौन से फर्मेंटेशन के टाइप और कौन कौन से आप लोग का कल्चर का टाइप होता है. बैच फेड बैच फर्मेंटेशन को अगर हम लोग फेड बैच कल्चर बोलेंगे तो भी सही है वो, ठीक है. इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कभी भी कि कल्चर और फर्मेंटेशन अलग अलग हो रहा है करके. अब देखो फेड बैच कल्चर या फिर फेड बैच फर्मेंटेशन क्या होता है इसे देखते हैं. फेड बैच फर्मेंटेशन इज एन इंप्रूवमेंट ऑफ बैच फर्मेंटेशन वेयर द सबस्ट्रेट इज एडेड इन इंक्रीमेंट्स एट डिफरेंट टाइम्स थ्रू आउट द कोर्स ऑफ फर्मेंटेशन. हम लोग जो अभी तक के पढ़ रहे थे बैच फर्मेंटेशन में, उसमें हमने क्या देखा था कि आपका जो बायोरिएक्टर है, बायोरिएक्टर के अंदर एक साथ पूरा जो आपका रॉ मटेरियल है उसको हम डाल देते थे और उसके बाद वो जो है प्रोसेस चलती रहती थी. फर्मेंटर काम कर रहा है, जो है रॉ मटेरियल को पूरा किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है. अभी तक के फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के बैच फर्मेंटेशन में हमने देखा था कि इसमें पहले से ही पूरा जो रॉ मटेरियल है एक साथ डाल दो. लेकिन जो फेड बैच है ये थोड़ा सा इंप्रूव्ड फॉर्म है. किसका इंप्रूव्ड फॉर्म है, आपके बैच कल्चर का ही थोड़ा सा इंप्रूव्ड वाला फॉर्म है, जिसमें क्या हो रहा है कि आपका जो फेड बैच कल्चर है उसमें जो आपका रॉ मटेरियल जो आप डालने वाले हैं आपके फर्मेंटेशन के लिए, जो रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसको इंक्रीमेंट में डालिए. मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, इंक्रीमेंट्स में डालते जाएंगे अलग अलग टाइम में. जैसे एक टाइम हुआ फिर तो एक घंटे का टाइम हुआ तब डाले, फिर अब 4 घंटे हो गए तब डाले. तो अलग अलग डिफरेंट टाइम्स में जो है जब तक फर्मेंटेशन चलता है तब तक के आप कंटिन्यू रॉ मटेरियल को डाल सकते हैं. जबकि बैच फर्मेंटेशन में ऐसा नहीं था, बैच फर्मेंटेशन में आपने एक बार डाल दिया, वो जो प्रोसेस हो रही है उसके बीच में आप नहीं डाल सकते थे, ठीक है. लेकिन फेड बैच में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट्स में हम डाल सकते हैं अलग अलग टाइम पे जब तक फर्मेंटेशन की प्रोसेस जो है वो चल रही है, ठीक है.
पीरियोडिकली सबस्ट्रेट एडिशन प्रोलॉन्ग्स लॉग एंड स्टेशनरी फेज. अब इसमें जो है सबस्ट्रेट का जो एडिशन होता है तो उसमें प्रोलॉन्ग्स जो जो सबस्ट्रेट का एडिशन होता है उसमें लॉग फेज और स्टेशनरी फेज जो है वो आपका बायोमास को इंक्रीज करने का काम करते हैं. तो लॉग फेज में क्या होता था, लॉग फेज कभी भी अगर है मतलब आपके फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में, तो लॉग फेज में सबसे ज्यादा क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है. मतलब आपका जो आपने जो कल्चर डाला है माइक्रोब्स का, ठीक है, वो जो है दुगना होते हैं. अगर आपने एक ही दो डाले हैं तो दो से वो चार होंगे, चार से वो आठ होंगे. तो मल्टीप्लीकेशन जो फेज होता है जिस टाइम आपका जो माइक्रोब है वो मल्टीप्लाई होता है, कंटिन्यू वो मल्टीप्लाई होता है, वो होता है आपका लॉग फेज जिसमें हम मल्टीप्लीकेशन की प्रोसेस होती है. तो एक लॉग फेज और दूसरा होता है स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज में जो है आपका मल्टीप्लीकेशन तो नहीं होगा, ना तो मल्टीप्लीकेशन होगा, ना तो वो बढ़ेंगे ना तो वो कम होंगे, वो स्टैटिक हो जाएंगे. जो चल रही प्रोसेस वो कंटिन्यू चलते रहती है. तो ये जो लॉग फेज और स्टेशनरी फेज, ये वाला फेज जो होता है ये फेड बैच कल्चर में जब सब्सट्रेट डालते हैं, यही दो प्रोसेस जो है, दो फेजेस जो है वो होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट में क्या देते हैं हम लोगों को, इंक्रीज्ड बायोमास देते हैं. मतलब यही है जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बायोमास को बढ़ाएंगे, मतलब उनकी उनको संख्या में भी बढ़ा रहे हैं और साथ साथ उनका आणविक भार जो होता है, जो उनका मास है उसको भी वो इंक्रीज करते हैं. कंसिक्वेंटली प्रोडक्शन ऑफ मेटाबोलाइट्स लाइक एंटीबायोटिक्स ड्यूरिंग स्टेशनरी फेज इज वेरी मच इंक्रीज्ड. अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो जो एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन होता है, मतलब कोई ऐसी इंडस्ट्री जहां एंटीबायोटिक बन रहे हैं, ठीक है, मतलब जो दवाइयां बन रही है, उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन के लिए जो आपका जो ये वाला फेज रहता है स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज जो है एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा रहता है. स्टेशनरी फेज में अगर है आपका फेड बैच तो एंटीबायोटिक्स का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करता है स्टेशनरी फेज. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया. अब एज इट इज डिफिकल्ट टू डायरेक्टली मेजर सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन इन फेड बैच फर्मेंटेशन, अदर इंडिकेटर्स दैट कोरिलेट विद सबस्ट्रेट कंजम्पशन आर यूज्ड. द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोडक्शन ऑफ CO2 एंड चेंजेस इन पीएच मे बी मेजर्ड एंड अकॉर्डिंगली सबस्ट्रेट एडिशन कैरिड आउट. एक चीज है कि फेड बैच फर्मेंटेशन अगर हो रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके आप रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, मतलब आपका क्या डाल रहे हैं, सबस्ट्रेट को आप डालते जा रहे हैं. तो सबस्ट्रेट का जो मेजरमेंट है, सबस्ट्रेट का जो मेजर होता है, वो उस मेजर को हम लोग अच्छे से कर नहीं पाते हैं. कभी पहले मान लीजिए आपने मैदा डाला, 10 किलो मैदा डाला, 10 किलो मैदा डालने के बाद आपने 2 घंटे के बाद फिर 15 किलो डाला, फिर 2 घंटे के बाद आपने 50 केजी मैदा डाला. तो इस वजह से क्या होता है ना कि सबस्ट्रेट का जो मेजरमेंट है वो हम अच्छे से निकाल नहीं पाते हैं. फेड बैच फर्मेंटेशन में सबस्ट्रेट का जो कंसेंट्रेशन है वो हम अच्छे से मेजर नहीं कर पाते हैं, डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो कुछ अदर इंडिकेटर्स से हम इसको मेजर करते हैं, अन्य कुछ चीजों का यूज करके हम इस सबस्ट्रेट के मेजरमेंट या फिर सबस्ट्रेट के कंसेंट्रेशन को हम ज्ञात कर सकते हैं. ठीक है, कि कितना सबस्ट्रेट, कैसे ज्ञात करेंगे कि कितना सबस्ट्रेट कंजम्पशन हो रहा है, मतलब जितना आप रॉ मटेरियल डालेंगे, मतलब जितना आप सबस्ट्रेट डालेंगे उसको जो आपके इसके अंदर माइक्रोब्स उपस्थित है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित है, वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं उसे, उस आधार पे हम सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं कि कितना खपत हो रहा है अंदर. ठीक है, मैंने आपके सामने 4 ग्लास पानी रखा, ठीक है, मैं आपको पूरे दिन नहीं देख रही हूं कि आप कितना पानी पीते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ 4 ग्लास पानी रख दिया था, तो कैसे पता चलेगा मुझे कि आपने कितना पानी में पिया है. वो मैं ये देखूंगी ना जब एंड ऑफ द डे जब मैं आऊंगी उस ग्लास को लेने के लिए, तब मुझे देखना है कि कितना कंज्यूम हुआ है पानी. अगर 2 ग्लास पानी के भरे हुए हैं और 2 ग्लास खाली है, दैट मीन्स कि आपने 2 ग्लासेस ऑफ वाटर कंज्यूम किया है. तो मुझे सबस्ट्रेट के कंजम्पशन को देखते हुए कि सबस्ट्रेट कितना कंज्यूम हुआ है, उससे मुझे पता चलेगा कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना है. ठीक है, सबस्ट्रेट के कंजम्पशन को देखते हुए, कोरिलेट करते हुए हम और अन्य चीजों का यूज करेंगे जिसमें आपका जो ऑर्गेनिक एसिड की
सॉरी मेरा कॉल आ गया था। हाँ तो मैं ये बता रही थी कि कितना सबस्ट्रेट कंजम्पशन हुआ है उसको देखते हुए, और सबस्ट्रेट कंजम्पशन को जानने के लिए हमको और इंडिकेटर्स यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि कितने ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब जब बैक्टीरिया जो है या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपके फर्मेंटेशन फर्मेंटर के अंदर है जो कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो एसिड प्रोडक्शन भी करते हैं, तो कितना ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है, कितना पीएच है अंदर, पीएच में कितना चेंज हो रहा है, कितना CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ CO2, ये इन सब चीजों को हम मेजर कर सकते हैं। प्रोडक्शन CO2 का प्रोडक्शन कितना हो रहा है उसको मेजर कर सकते हैं आराम से, पीएच कितना है उसको मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो जो फर्मेंटेशन का पूरा सेटअप लगा हुआ है, अगर कोई इंडस्ट्री है तो वहां तो पूरा सब देखने वाले, सब जो उस चीज को मैनेज कर रहे हैं, जो उसको संचालक है, जो उसका जो कंट्रोलर है उसका, उस पर्टिकुलर मशीन का फर्मेंटर का, वो तो सब चीज देख रहा होगा। लेकिन सबस्ट्रेट अगर पेड बैच फर्मेंटेशन के जरिए फर्मेंटेशन किया जा रहा है, तो उसमें सबस्ट्रेट जितना यूज किया गया था उसका कंसेंट्रेशन को हम ज्ञात करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कितना सबस्ट्रेट कंज्यूम हुआ है, कितना कंजम्पशन है सबस्ट्रेट का, उस आधार पर हम सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन को हम जानते हैं। ठीक है, एंड इज देयरफॉर नॉट अ प्रिफर्ड मेथड बाय इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजिस्ट। अब अगर बात की जाए कि ये जो आपका फेड बैच फर्मेंटेशन है, फेड बैच फर्मेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इसको लगातार देखना पड़ता है। क्यों देखना पड़ता है, क्योंकि अब बार बार आपको डालना पड़ रहा है, तो जहां देखेंगे आप, अरे कम से कंज्यूम हो गया तो फिर डालो, अरे टाइम हो गया फिर डालो, ये टाइम हो गया, तो इसको बार बार मॉनिटर करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपने चला दिया छोड़ दिया आप अपना काम कर रहे हैं, नो यू कैन डू दैट। जबकि बैच फर्मेंटेशन में क्या होता था कि बैच फर्मेंटेशन में आपने एक बार में पूरा सब्सट्रेट डाल दिया, अब आपको बार बार उसे देखने की जरूरत नहीं है, आपने सब चीज सेट कर दिया, हाँ पीएच इतना रहना चाहिए, हाँ टेम्परेचर इतना रहना चाहिए, हाँ प्रेशर इतना रहना चाहिए, इतना एयर का दबाव होना चाहिए, इतना एरेशन होना चाहिए, बस बाकी आपको उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी बैच फर्मेंटेशन में। बट इन फेड बैच फर्मेंटेशन आपको बार बार मॉनिटर करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू ऐड द सब्सट्रेट मेनी टाइम्स इन इन टाइम इंटरवल्स, अलग अलग टाइम पे आपको सब्सट्रेट डालना पड़ रहा है, तो आपको बार बार देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। हालांकि ये इंप्रूव्ड है बोला जाता है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, और इसी वजह से ही कि इसको बार बार मॉनिटर करना पड़ता है, इसी वजह से ही इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजिस्ट लोग या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में फेड बैच फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी को फर्मेंटर के अंदर यूज नहीं किया जाता है। वहां पर ऐसा बैच फर्मेंटेशन यूज किया जाता है जिसमें ऐसा फर्मेंटर यूज किया जाता है कि एक बार आप डाल दिए वो चलता रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फेड बैच फर्मेंटेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब ये जो फेड बैच कल्चर है इसका यूज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के लिए किया जाता है। अब इसमें रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का यूज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाने के लिए कैसे यूज करते हैं उसको देखते हैं। साइलेंट चलो, फेड बैच फर्मेंटेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब ये है तो एक कल्चर सिस्टम, है तो एक फर्मेंटेशन, भले ही कुछ प्रॉब्लम है लेकिन यूज तो कहीं ना कहीं होता होगा ना कहीं तो यूज करेंगे ही, भले ही इसके साथ इश्यूज हैं कि बार बार मॉनिटर करना पड़ता है, लेकिन अगर इस टेक्नोलॉजी को, इस कल्चर सिस्टम को लाया गया है तो कुछ देख के ही लाया हो गया। हर एक चीज का डीमेरिट्स होता है तो मेरिट्स भी होता है, फायदे हैं तो नुकसान भी है।
नुकसान है तो फायदा भी है. तो इन रिसेंट ईयर्स फेड बैच फर्मेंटेशन हैज बिकम पॉपुलर. पिछले कुछ सालों से ये जो फेड बैच फर्मेंटेशन है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है. क्यों? क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को बनाने के लिए प्रिफर किया जाता है. रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो है, अगर आप रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो अच्छी उपज होती है, मतलब अच्छा हाई यील्डिंग देता है उसे. रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाने के लिए फेड बैच फर्मेंटेशन को अगर हम यूज कर रहे हैं तो अच्छा पैदावार होती है. पैदावार मतलब अच्छा प्रोडक्शन होगा, अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन होता है. इसलिए ये कुछ सालों से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. डिपेंडिंग ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द नेचर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन द फेड बैच फर्मेंटेशन कैन इंक्रीज द प्रोडक्ट यील्ड फ्रॉम 25% टू 1000%. अगर आपके पास रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, मतलब जो आपका सूक्ष्म जीव यूज किया जा रहा है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कौन सा वाला रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाना है, आर प्रोटीन लिख रही हूं मैं यहां पर, आर प्रोटीन और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. कौन सा वाला रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाना है और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हो, इन दो चीजों पर आधारित होता है कि कितना अच्छा आपका फेड बैच फर्मेंटेशन काम करेगा. अगर ये दोनों चीजें एकदम अच्छी है, अगर एकदम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन नहीं बनाना है और अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहा है, तो अगर आपका जो बनाने का जो परसेंटेज है अगर वो 25% अच्छा आपको उपज दे रहा है, अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है 25% का, तो उससे वो उसको बदल के 1000% का प्रोडक्शन देगा, हाई यील्डिंग करेगा. मतलब सोचो 25% से लगा एकदम एकदम सटाक से 100% भी नहीं, 1000%. दैट मीन्स कि एकदम डबल ट्रिपल फोरेबल जो आपका क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है. लगाया आपने इतना सा प्रोडक्शन, इतना सारा हो रहा है तो फायदा ही फायदा है. तो वो जो है क्या करता है, प्रोडक्ट यील्ड को, प्रोडक्ट का जो पैदावार है यील्डिंग को 25% से लेकर के 1000% तक के बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है, अगर इसका कंपैरिजन किया जाए बैच फर्मेंटेशन से. अगर तो बैच फर्मेंटेशन से ही अगर आप बनाएंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन तो वो सिर्फ 25% से 50% तक का ही इंक्रीज कर सकता है, लेकिन 1000% तक नहीं ला सकता. उसको कौन ला सकता है 1000% तक के, फेड बैच फर्मेंटेशन. एज मैंने थोड़ी देर पहले ही अभी बताया था कि इसको मॉनिटर करना मुश्किल होता है इसलिए इसको प्रिफर नहीं करते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर तो ये फायदा दे रहा है. तो उसी प्रकार जो कुछ नुकसान है तो कुछ फायदा भी है, ठीक है, इस चीज को हमको ध्यान देना है. Careful monitoring of the fermentation reaction and appropriate addition of substrate, carbon and nitrogen sources and trace metal substantially increases the product yield. अगर हम इसको अच्छे से मॉनिटर करें, केयरफुल मॉनिटरिंग करें, सब्सट्रेट अच्छे, सब्सट्रेट को टाइम टू टाइम हम डालते रहें, टाइम टू टाइम अगर हम सब्सट्रेट डाल रहे हैं, टाइम टू टाइम उसे हम मॉनिटर कर रहे हैं, तो आपका जो अच्छा प्रोडक्शन होगा ही होगा, आपका जो प्रोडक्शन है उसका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होगा ही होगा फेड बैच फर्मेंटेशन में. कुछ लिमिटेशन भी है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन अगर आप बना रहे हैं फेड बैच फर्मेंटेशन से या फिर इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, तो इसका कुछ लिमिटेशंस भी है जिसे हम देखते हैं. The major limitation of fed batch fermentation is that the microorganisms in the stationary phase produce proteolytic enzyme or protease. एक limitation है कि जब आपके fermentation की process चल रही होती है और fermenter के अंदर जब stationary phase आता है, stationary phase कौन सा phase है जिसमें जो आपका microorganism की जो growth है वो कब बढ़ी रहती है, log phase में. स्टेशनरी फेज में आने के बाद वो स्ट्रेट हो जाती है, स्टैटिक हो जाती है, तो स्टेशनरी फेज उसी को बोलते हैं. तो जब स्टेशनरी फेज में, जब फेड बैच फर्मेंटेशन के अंदर जब स्टेशनरी फेज की प्रोसेस चल रही होती है, तो उस समय आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम. कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म.
प्रोटियोलिटिक एंजाइम या फिर इसी को प्रोटीज एंजाइम भी कहा जाता है। अभी जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम या फिर प्रोटीज एंजाइम है ये क्या करते हैं, क्या होता है इसके प्रोडक्शन से, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं लिमिटेशन में हम पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ तो प्रॉब्लम होगा इस एंजाइम के साथ। दीज एंजाइम अटैक द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। ये जो एंजाइम है ये क्या काम करेंगे, बहुत गलत काम करते हैं, गद्दारी कर रहे हैं। आपका जो फर्मेंटर है उसके अंदर फेड बैच फर्मेंटेशन चल रहा है, फेड बैच फर्मेंटर है, आप फेड बैच फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी चला रहे हो, प्रोसेस अच्छे से चल रही है, अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन जब जैसी स्टेशनरी फेज चालू होता है तो अगर ये एंजाइम प्रोड्यूस हो गए, मतलब वो तो होंगे ही, तो उस कंडीशन में आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म ये एंजाइम को प्रोड्यूस करके गलत काम करते हैं। ये एंजाइम जो गद्दारी करता है, क्या करता है ये एंजाइम जो है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को ही अटैक करना चालू कर देता है, जो हमारा मेजर आपका प्रोडक्ट है, जो प्रोड्यूस हो रहा है उसे ही अटैक करना चालू कर देते हैं। कौन? आपके जो ये प्रोटीज एंजाइम है, वो जो प्रोटीन बन रहे होते हैं रिकॉम्बिनेंट, उन्हें अटैक करना चालू कर देते हैं ये एंजाइम। बाय केयरफुल मॉनिटरिंग द फर्मेंटेशन द लॉग फेज कैन बी प्रोलॉन्ग्ड एंड द ऑनसेट ऑफ स्टेशनरी फेज इज डिलेड। लेकिन अगर हम इस चीज को ध्यान में रखें कि लगातार इसे मॉनिटर करना जरूरी होता है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन हम इसको अगर लगातार मॉनिटर करते रहे तो लगातार मॉनिटर करते करते में पहले तो लॉग फेज पहले आएगा, आप तो सभी अच्छे से जानते हैं। लॉग फेज के बाद ही स्टेशनरी फेज आता है। तो जब लॉग फेज की प्रोसेस चल रही होती है तो खास तरीके से बहुत ज्यादा इसको ध्यान देंगे हम, और हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो आपका स्टेशनरी फेज है उसको आने में डिले हो। तो जितना डिले होगा तो उससे क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन तो उस टाइम तक लॉग फेज में बन जा रहेंगे, तो आप उसे सेपरेट कर सकते हैं। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बाय दिस द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीज कैन बी मिनिमाइज। तो जी अगर जितना लेट आपका स्टेशनरी फेज आएगा उतना ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम बनाएंगे इस प्रोटीएज एंजाइम को, जितना डिले होगा उतनी कम मात्रा में प्रोटीएज एंजाइम जो है वो बनेंगे, मिनिमाइज कर सकते हैं, जिससे हमारे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को ज्यादा नुकसान ना हो। तो कुछ इस तरीके से हम इस लिमिटेशन को, इस कमी को जो है दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फेड बैच फर्मेंटेशन, और फेड बैच फर्मेंटेशन में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का प्रोडक्शन कैसे होता है हमने ये भी देख लिया। फेड बैच कल्चर फॉर हायर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म में फेड बैच कल्चर यूज भी किया जाता है। मैमेलियन और इंसेक्ट सेल के लिए भी फेड बैच कल्चर यूज किया जाता है। दिस इज वेरी एडवांटेजियस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन थेरापेटिक प्रोटीन विद गुड यील्ड। अगर ह्यूमन थेरापेटिक प्रोटीन बनाने, ह्यूमंस के लिए अगर कोई दवाइयों वाले थेरापेटिक प्रोटीन बनाने, तो उसके लिए फेड बैच फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी जो यूज होता है, क्योंकि थेरापेटिक प्रोटीन जो है उसका मात्रा अधिक होना चाहिए बनने का, क्योंकि बिकता भी इतने जल्दी है, इतने सारे जो हम लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, इसलिए वो जो है अच्छा हाई यील्ड देता है ये फेड बैच फर्मेंटेशन अगर हम यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये आपका यहीं पर खत्म होता है फेड बैच फर्मेंटेशन। ठीक है, अब आपका जो हम लोग जो कल्चर सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, जिसमें दो कल्चर पढ़ लिए, एक बैच कल्चर और एक फेड बैच कल्चर अभी हुआ। अब नेक्स्ट है आपका सेमी कंटिन्यूअस कल्चर और सेमी कंटिन्यूअस कल्चर या फिर सेमी कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन, इसे देखते हैं। सेमी कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन आर ग्रोथ लिंक्ड एंड सच प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द लॉग फेज। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल प्रोडक्शन। आप जो फर्मेंटर के अंदर जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस चल रही होती है, आपका जो फर्मेंटर है इसके अंदर, मैंने सिंपल सा बना दिया है पर फर्मेंटर,
इसके अलावा सेमी कंटिन्यूस फर्मेंटेशन की प्रोसेस चल रही है, सेमी फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन सेमी कंटिन्यूस फर्मेंटेशन कल्चर हो रहा है। उस स्थिति में क्या होगा कि कुछ आपके जो प्रोडक्ट रहते हैं जिसको आप बनाना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट का बनना जो है, प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है या जो बनना है, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है ग्रोथ पर। किस चीज की ग्रोथ पर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। अब आप अगर ब्रेड भी बना रहे हैं तो ब्रेड में आपका ईस्ट लग रहा है, और ईस्ट जो है जितनी ज्यादा मात्रा में रहेगा उतना ही अच्छा फर्मेंटेशन करेगा, और आपके उतना ही अच्छे से मैदे को वो यूज करेगा, यूज कर करके क्या बनाएगा, फर्मेंटेशन कर करके ब्रेड बनाएगा। तो ग्रोथ पर बहुत डिपेंड करता है आपका अच्छा प्रोडक्शन, ठीक है? प्रोडक्ट का जो अच्छा फर्मेंटेशन है या फिर अच्छा प्रोडक्शन जो है वो ग्रोथ लिंक्ड होते हैं, एंड सच प्रोडक्ट्स आर फॉर्मड एट द एंड ऑफ द लॉग फेज। और ऐसे कंडीशन में लॉग फेज जब खत्म होते रहता है, लॉग फेज कौन सा फेज होता है? जहां पर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अच्छा ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लॉग फेज जब एंड होता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उसी समय हो जाता है, उसी समय अच्छे से हो जाता है। हालांकि उसको बाद में फिर फिल्ट्रेशन एंड ऑल सब चीजें रहती हैं, लेकिन फिर भी लॉग फेज के अंत में प्रोडक्ट आपका बन के रेडी रहता है, ठीक है? तो जैसे कि इथेनॉल जो आप लोग यूज करते हैं ना, 70% एल्कोहल को बनाने के लिए इथेनॉल जो यूज करते हैं, वो जो इथेनॉल है उस इथेनॉल के प्रोडक्शन में भी यही ये चीज लागू होती है, ये ग्रोथ लिंक्ड होता है इथेनॉल का प्रोडक्शन जो होता है। इन सेमी कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन अ पोर्शन ऑफ द कल्चर मीडियम इज रिमूव्ड फ्रॉम द बायोरिएक्टर एंड रिप्लेस्ड बाय फ्रेश मीडियम। कंटिन्यूअस सेमी कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में क्या होगा, आपने जो यहां पर कल्चर मीडियम आप जो यूज कर रहे हैं, जो कल्चर मीडियम के अंदर आप पूरा प्रोसेस करवा रहे हैं, आप भी मीडिया बनाते हैं ना, मीडिया के अंदर ही तो पूरा जो है ग्रोथ करना चालू करते हैं आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है? तो आपको माध्यम की आवश्यकता है, एक माध्यम प्रोवाइड कर रहे हैं आप, उस माध्यम के अंदर ही आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। नया मीडिया बनाते हैं तब तो आके उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, बैक्टीरिया को एक माध्यम चाहिए ग्रो करने के लिए, राइट? जस्ट लाइक दैट फर्मेंटर के अंदर भी एक मीडियम है, कल्चर मीडियम है हमारा, हम जो प्रिपेयर करते हैं उस कल्चर में। जैसे कि आपने ब्रेड का कल्चर मीडियम प्रिपेयर करने के लिए मैदा यूज कर रहे हैं, आप सब चीजें डाल रहे हैं उसमें प्रोडक्शन के लिए, ठीक है? तो कल्चर मीडियम आप जो बनाए हैं, आपका जो फर्मेंटेशन के अंदर जो कल्चर मीडियम है उससे क्या करते हैं, सेमी कंटिन्यूस जो फर्मेंटेशन उस टेक्नोलॉजी में कुछ कल्चर मीडियम का जो हिस्सा है उसको हम बाहर निकालते हैं, कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट्स, ये आपके सेमी कंटिन्यूस फर्मेंटेशन का बता रही हूँ, कुछ हिस्सा जो है कल्चर मीडियम का आप उसको बाहर निकाल देंगे जो ऑलरेडी चल रहा है। आप इसमें क्या इंसर्ट कराएंगे, जो फ्रेश मीडियम बनाए हैं उसको, जो मीडियम यूज हो रहा था, जो पुराना आपने बनाया था उसको आप थोड़ा सा निकाल सकते हैं और उसकी जगह पे कुछ फ्रेश मीडियम को आप वापस से डाल सकते हैं, ठीक है? रिप्लेस कर सकते हैं आप अपने फ्रेश मीडियम से किसको, आपके जो पुराना वाला जो कल्चर मीडियम था उससे। और जो फ्रेश मीडियम आप डालेंगे, एक चीज का ध्यान रखना है, वो फ्रेश मीडियम सेम वैसा ही होना चाहिए, पीएच टेम्परेचर को जो सहन कर सके सेम इसके आइडेंटिकल, जो आपने पहले जो पहला वाला डाला था जिस कंडीशन में वो कार्य कर रहा था वैसा ही वाला फ्रेश मीडियम होना चाहिए वो, ठीक है? दिस प्रोसेस ऑफ कल्चर मीडियम चेंजेस कैन बी रिपीटेड एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स। और ये जो प्रोसेस है कि हम पुराने मीडिया को निकाल रहे हैं, नया मीडियम डाल रहे हैं, पुराने मीडियम को निकाल रहे हैं, नया मीडियम डाल रहे हैं, ये जो प्रोसेस है ये इंटरवल में करेंगे हम लोग। जैसे हम लोगों का जो फेड बैच फर्मेंटेशन था उसमें क्या था, हम लगातार अपना सब्सट्रेट डालते जाते हैं और हमारा प्रोडक्ट जो है वो बंद, जब तक फर्मेंटेशन की टेक्नोलॉजी चल रही है, जब तक वो घूम रहा है मशीन, तब तक के हम क्या कर सकते हैं, आपका एक सेट जो चल रहा है उस टाइम तक के आप डाल सकते हैं कि क्या चीज को, अपने सब्सट्रेट को। जस्ट लाइक दैट इन सेमी कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन यू कैन ऐड द फ्रेश मीडियम इन टाइम इंटरवल्स, ओके? तो आप पुराने मीडियम को निकाल रहे हैं, फ्रेश मीडियम को डाल रहे हैं, ये प्रोसेस आपकी किस में हो रही है, सेमी कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में।